Good morning, students. I'm going to teach you your second language, Hindi. हम शुरू करेंगे सच्ची मित्रता से. ये एक सुंदर और प्रेरणादायक नाटक है जो हमें सिर्फ प्रेरणा नहीं देंगे बल्कि सच्ची मित्रता का जो मूल्यबोध है उसके बारे में शिक्षा देंगे. सच्ची मित्रता श्री कृष्णा और सुदामा की दोस्ती की कहानी है. पाठ शुरू करने से पहले हम जानेंगे कृष्णा और सुदामा के बारे में. अकॉर्डिंग टू वेदस, लॉर्ड कृष्णा के माता पिता थे देवकी और वासुदेवा, लेकिन उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया मथुरा में रहने वाले नंद बाबा और यशोदा मैया. सुदामा का जन्म हुआ था एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में. उनके माता पिता थे रोचना देवी और मतुका. कृष्णा और सुदामा बचपन के सहपाठी थे और गुरुकुल में दोनों एक साथ पढ़ने जाते थे. पढ़ाई खत्म होने के बाद वो दोनों अलग हो गए, लेकिन किसी ने किसी को भूला नहीं था. सुदामा गरीब थे और गरीब ही रह गए. उनके सामने हालात कुछ ऐसा था कि बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल हो गया. तब तक कृष्णा द्वारिका के राजा बन चुके थे. ऐसे ही भूखे दिन कटाते हुए एक दिन सुदामा की पत्नी ने उन्हें उनके बचपन की दोस्त कृष्णा की याद दिलाई, उनसे कुछ मदद मांगने की विनती की. सिर्फ मदद के लिए दोस्त से मिलने जाना सुदामा को बिल्कुल नापसंद था, पर अंत में बहुत मुश्किल से वो राजी हुए और साथ में कुछ भुने चावल लेकर कृष्णा से मिलने चले. हम आज सच्ची मित्रता का पहला दृश्य पढ़ेंगे, जहां दिखाया गया है सुदामा के द्वारिका पहुंचने के बाद क्या हुआ. क्या राजा कृष्ण ने अपनी गरीब दोस्त को पहचाना, उसको अपनाया? सच्ची मित्रता पहला दृश्य. द्वारिका में श्री कृष्ण अपनी महल में पत्नी रुक्मिणी के साथ बैठे हुए हैं, तभी द्वारपाल वहां आता है. यह देखिए द्वारपाल. द्वारपाल का मतलब है द्वार में खड़ा सैनिक जो महल की रक्षा करता है. द्वारपाल: महाराज की जय हो राजन. द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया है, वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है. श्री कृष्ण: कौन है वो? द्वारपाल: महाराज, वो बहुत ही निर्धन मालूम पड़ता है. उसके कपड़े फटे पुराने हैं, ना सिर पर पगड़ी है ना पैरों में जूते हैं. उसके पैरों में विवाया फटी है. वो अपना नाम सुदामा बता रहा है. श्री कृष्ण: सुदामा? नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़कर द्वार पर पहुंच गए और भावुक होकर सुदामा को गले से लगा लिया. श्री कृष्ण: मित्र, तुम कैसे हो? बहुत दिनों बाद आना हुआ, आओ अंदर चले. सुदामा: मैं ठीक हूं मित्र. दोनों महल के अंदर आते हैं. श्री कृष्ण सुदामा को आसन पर बिठाते हैं. श्री कृष्ण: रुक्मिणी, यही मेरा प्रिय मित्र सुदामा है, जिसके विषय में मैं बातें किया करता हूँ. रुक्मिणी सुदामा का अभिवादन करती है. श्री कृष्ण: मित्र, दूर से पैदल चलकर आने के कारण
तुम बहुत थके हुए दिखाई पड़ रहे हो, लाओ मैं तुम्हारे पैर धो दूं। सुदामा, राम राम, कैसी बातें कर रहे हो, भला मैं तुमसे पैर धुलवाऊंगा? श्री कृष्ण, क्यों नहीं, मैं तो वही तुम्हारा बचपन का मित्र हूँ, आज तुम मेरे अतिथि हो। रुक्मिणी जल लेकर आती है। श्री कृष्ण सुदामा के पैर अपने हाथों से धोते हैं और उनके पैरों की हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुदामा, मित्र तुम धन्य हो, इतने बड़े राजा होकर भी मुझ जैसे गरीब का इतना सम्मान कर रहे हो। श्री कृष्ण, मित्र भी कहते हो और अपने को गरीब भी कह रहे हो, मित्रता तो सबसे बड़ा धन है। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। श्री कृष्ण उनके आंसू पोंछते हैं। श्री कृष्ण, अच्छा मित्र, मुझे अपने जीवन के विषय में कुछ बताओ। सुदामा, मित्र मेरा विवाह एक सुयोग्य कन्या से हुआ है, मेरी दो संतानें भी है। श्री कृष्ण, तब तो भाभी ने अवश्य मेरे लिए कुछ भेंट भेजी होगी। सुदामा सकुचाते हुए, नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। सुदामा बगल में दबाई पोटली छिपाने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण, ये कैसे हो सकता है मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ अवश्य भेजा होगा। अरे ये बगल में क्या छिपा रखा है तुमने? सुदामा, मित्र ये थोड़ी सी भुने चावल है। श्री कृष्ण, भुने चावल मुझे वास्तव में बहुत पसंद है, तुम्हें याद है ना सुदामा? सुदामा सकुचाते हुए, हाँ हाँ, मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। श्री कृष्ण सुदामा के बगल से चावल की पोटली खींच लेते हैं, एक मुट्ठी चावल मुंह में डालते हैं। श्री कृष्ण, आहा कितने स्वादिष्ट चावल है। श्री कृष्ण दूसरी मुट्ठी चावल जैसे मुंह में डालने लगते हैं, रुक्मिणी उन्हें रोक लेती है। सुदामा, मित्र मैं तो यहाँ आने से पहले बहुत डर रहा था कि तुम मुझे पहचान पाओगे या नहीं, क्योंकि निर्धन मित्रों को तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारी भाभी ने जिद करके भेज दिया। श्री कृष्ण, मित्र भूल कैसे जाना, गुरुजी ने तो शिक्षा दी थी, वो सच्चा मित्र नहीं जो अपने निर्धन मित्र को भूल जाए। सुदामा, हाँ मित्र याद है, और आज उसका उदाहरण भी देख लिया। दोनों हंसते हैं, तभी सेवक भोजन की थाल लेकर आता है। श्री कृष्ण, मित्र आओ भोजन कर ले। श्री कृष्ण सुदामा को अपने हाथों से भोजन कराता है। श्री कृष्ण, मित्र तुम थक गए हो, अब थोड़ी देर विश्राम कर लो, बाद में तुमसे बहुत सी बातें करूंगा। बच्चों आज इतना तक है, दूसरे दिन हम दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।